राजधानी के विठल मार्केट सब्जी फुटकर व्यापारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम खटीक ने मुकेश साहू पर फर्जी तरीके से व्यापारी संघ का अध्यक्ष बनने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सब्जी फुटकर व्यापारी संघ विठल मार्केट संस्था 2009 से रजिस्टर्ड है और तब से नियमित रूप से रजिस्टर एवं फर्म सोसाइटी को संस्था द्वारा सही जानकारी दी जा रही है, लेकिन मुकेश साहू और उनके साथियों ने मिलकर फर्जी रजिस्ट्रेशन और दिनांक डालकर रजिस्टर्ड फर्म सोसाइटी में जानकारी जमा की और इसकी धारा 29 के तहत नकल भी ली गई, जो पूरी तरह से फर्जी है। इतना ही नहीं, उन्होंने व्यापारियों की फर्जी साइन कर सब्जी व्यापारियों को भ्रमित करने का प्रयास किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। प्रयास करा, चुनाव करते हैं बराबर आपस में बैठ करके, आपसी सहमति से हमारे चुनाव हो जाते हैं और आपसी सहमति से हमारे कार्य हो जाते हैं। हम यहाँ पर फुटकर दुकानदार बड़े सुकून से हैं, हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं। जिन लोगों ने यहाँ पर ये कार्य करा वो तो दुकान भी नहीं लगाते, ना उनकी दुकान है यहाँ पर, ना इनका यहाँ पे कोई सरोकारी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के वो समिति पे कब्जा करते हैं। और आप तो ये देखो कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। हमारा रजिस्ट्रेशन बनी है कि उन्होंने पैसे का भी कुछ करे, हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे अकाउंट का इस्तेमाल कर लिया, वहाँ से पैसे वैसे निकाल कर कर लिए या कर लिए, आगे तक आगे क्या स्थिति, हालांकि हमने जहाँ पे आवेदन सब जगह लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भरोसा नहीं पहले कर लिया, अभी हमने देखा ही नहीं है कोई चीज से, ले तो रहे हम तैयारियाँ। हमारा तो सीधा सा ये डिमांड है शासन और प्रशासन दोनों से कि जिन लोगों ने हमारी समिति के नाम का गलत इस्तेमाल करा है, जिस सीए ने 27-28 की जानकारी गलत तरीके से बना करके रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करी और जिस रजिस्ट्रार संजय सीठा जी ने इसको रिलीज करी है, दोनों सही और गलत जानकारियां संजय सीठा जी ने ही रिलीज करी है, आप देख सकते हो उसके अंदर। तो मैं शासन से चाहूंगा कि संजय सीठा जी को तत्काल प्रभाव में सस्पेंड करा जाए कि आप ऐसे कैसे एक नाम पर दो रजिस्ट्रेशन नंबर रिलीज कर सकते हैं, ये गलत तरीका है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हरिओम खटीक, सब्जी फुटकर व्यापारी संघ विठल मार्केट का अध्यक्ष हूँ। आप हमारे मंजी वर्मा सचिव हैं और विजय गुप्ता जी जो हैं हमारे उपाध्यक्ष हैं, मतिन जी उपाध्यक्ष हैं, सचिन कुशवा जी सचिव हैं, सह सचिव। विठल मार्केट समिति पिछले इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 2009 में और 2009 से हमारी समिति परमानेंट जानकारी शासन को दे रही है, रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड कराती है, ऑडिट कराती है और सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ समिति द्वारा जो जो नियम है उस नियम को पूरा करते हैं हम। लेकिन अभी कुछ हमारे पेपर किसी कारणवश कहीं खो गए थे, तो यहाँ के बाजार के कुछ जो असामाजिक तत्व हैं जिनमें जो समाज बाजार को दुकानदारों को भ्रमित करते हैं, उन लोगों को वो पेपर वहाँ पर मिल गए और उनने उसकी गलत जानकारी 27-28 की जानकारी रजिस्ट्रार में जमा करा दी। और आप इसके अंदर ये देखिए कि ये कितनी बड़ी उनकी द्वारा गलती, सबसे बड़ी गलती ये कि जिनने समिति बनाई उनकी, और दूसरी गलती सीए उनके सीए की जिनने इसकी रिपोर्ट 27-28 की जमा करी, और तीसरी गलती उनकी रजिस्ट्रार की जिन्होंने जे समिति का रजिस्ट्रेट रिलीज करा। अब आप ये देखो, ये दो असली और नकली दो चीजें यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमारी समिति का रजिस्ट्रेशन है, एक समिति का नाम है सब्जी फुटकर व्यापारी संघ विठल मार्केट, न्यू मार्केट, कोटरा मार्केट, वार्ड 45, हाट बाजार विठल मार्केट, भोपाल। यही नाम इनने जो नकली, जिन्होंने हमारी समिति का गलत नाम यूज करा है, सब्जी फुटकर व्यापारी संघ विठल मार्केट, न्यू मार्केट, कोटरा मार्केट, वार्ड 45, इसमें इनका वोट लाए। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन देखिए, आप इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 26008 और हमारा रजिस्ट्रेशन है 21080। ये समिति का रजिस्ट्रेशन है। और एक और गलती इसमें इनने करी है कि जब भी किसी भी समिति का कार्यकाल जिस तारीख से स्टार्ट होता है उसके एक दिन पहले वो समाप्त होता है, लेकिन हमारे इसमें दिया है 16/8/2022 से स्टार्ट है तो, और इसमें 15/8/2025 को समाप्त का टाइम है हमारा कार्यक्रमान में। आप ये देखो इसके अंदर कि इन्होंने, इनका गलती इनकी ये है कि इनने जो कार्यकाल 15 में खत्म होना चाहिए 15 तारीख को, उन्होंने 17 तारीख यानी एक दिन बढ़ा करके रजिस्ट्रार में उन्होंने खत्म करा है। तो हमारी ये डिमांड है कि जो गलतियां यहाँ पर रजिस्ट्रार द्वारा, जो सीए के द्वारा और जो यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने जो अपना यहाँ पर व्यवस्था जमाने की कोशिश करी है और जो कब्जा जमाने की कोशिश करी है, उन पर उचित कार्रवाई की जाए और
जो रजिस्ट्रार ने जो रिलीज करा है रजिस्ट्रार पे भी उचित कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड की कार्रवाई करी जाए, और जिस सीए ने ये रिपोर्ट बना करके 27-28 की जानकारी वहां पर जमा करी हो और वहां पर गलती से निकाल दी तो सीए के ऊपर भी कार्रवाई करी जाए, और यहां पर जिन्होंने जिस तरीके से हमारी समिति पे कब्जा करके और हमारी समिति का गलत नाम का इस्तेमाल करके जो काम करा है वो जितने भी लोग हैं उन सब पर उचित कार्रवाई करके हमने थाने में भी आवेदन दिया है, इनके खिलाफ आवेदन थाने में भी आवेदन लगा हुआ है, ये आप सावन देख सकते हैं, थाने का भी आवेदन है हमारे पास में और इसकी कॉपी लगी हुई है। सारी चीजें हमने कर दी है, सबने हमें एसपी साहब को भी साईं कृष्णा जी को भी अवगत करा दिया है, और ये गलत पोस्ट डाल रहा है कि साहब विट्ठल मार्केट का अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो गलत पोस्ट डालने वाले भी समझदारी से काम लें, क्योंकि पहले हर दूध का दूध और पानी का पानी देख लें इसके बाद ही पोस्ट डालें, क्योंकि आप गलत जानकारी देते तो कहीं ना कहीं आप भी सबके दायरे में आएंगे। और माननीय मंत्री जी का भी इन्होंने फोटो लेकर के साथ में डाला है, उनसे भी मैंने उनको भी मैंने अवगत कराया कि मंत्री जी ने भी कहा कि ये तो फर्जी आदमी है, इसने के ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा। तो मेरा निवेदन है शासन से भी और प्रशासन से भी कि जिन लोगों ने विट्ठल मार्केट की समिति का गलत इस्तेमाल करा, उसके नाम का गलत इस्तेमाल करा है, आप उन सब पर उचित से उचित कार्रवाई करें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आपके कागज जो गुम गए उसकी रिपोर्ट, उसके कागज की भी रिपोर्ट है हमारे पास में, उसमें भी हमने थाने में आवेदन दिया कि हमारे कागज गुम गए थे और उसकी रिपोर्ट भी हम करके आए थाने में, आवेदन दे चुके हैं उसका भी। गलत जानकारी क्या मिली है? गलत जानकारी में आप सीधा सीधा देखिए ना कि इन्होंने हमारी समिति का नाम का गलत इस्तेमाल करा, और नाम भी गलत, नाम का एक नाम पर दो समितियां कभी नहीं बनती है। एक रजिस्ट्रेशन अगर मान लो इन्होंने हमारे नाम का इस्तेमाल भी करा था तो कम से कम जो रजिस्ट्रेशन पे गौर नहीं करा, मतलब इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने के, भ्रष्टाचार इसमें आप गहराई से जाइए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार करा इन्होंने कि इतनी जल्दबाजी करी इन्होंने कि इनने ये तक नहीं देखा कि नाम तो तुमने समिति का सही डाल दिया, नाम सही डाल दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर सही है या गलत है। और सबसे पहली चीज, जो कार्यकाल जिस तारीख से स्टार्ट होता है उसके एक दिन पहले वो समाप्त होता है, आपने वो भी नहीं देखा, उसको एक दिन बढ़ा करके आपने उसको वो कर दिया, तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। बगैर पैसे लिए दिए करके ये काम हुआ होगा ना, इतनी जल्दबाजी क्या पड़ी थी कि विट्ठल मार्केट समिति के बजाय। हमारे यहाँ पर एक नियम है कि जो फुटकर दुकानदार दुकान लगाता वही यहाँ पर अध्यक्ष बनता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।